तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था और जिसको हाइप करी थी WWE लास्ट कुछ दिनों से। जी हाँ, जॉन सीना ने रिटर्न किया मंडे नाइट रॉ पे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि रॉ पे और क्या क्या हुआ जो कि इम्पैक्ट किया मनी इन द बैंक पे पर व्यू के फाइनल कार्ड पर। वेलकम टू रेसलमेनियाक। तो शुरुआत में हम देखते हैं एक बैक स्टेज सेगमेंट जहां पर जॉन सीना का वेलकम करता है एंटायर WWE लॉकर रूम, चाहे वो रेसलर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों या रेफरीज। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग लास्ट चांस बैटल रॉयल, जिसमें हमें दिखे बहुत सारे रेसलर्स। अगर कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट्स की बात करूं तो पहले हमें दिखे थे वीर महान, जिनको रिंग से बाहर फेंका रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो और मुस्तफा अली ने मिलकर। उसके बाद एक फनी स्पॉट दिखा जहां पर शांकी और आर ट्रूथ कुछ कॉमेडिक डांस करने लगे, जिसके बाद जिंदर महाल ने पहले तो फेंका आर ट्रूथ को बाहर और उसके बाद बहुत चालाकी से शांकी को भी बाहर फेंक दिया। इस बैटल रॉयल में लास्ट के 5 रेसलर्स थे रिडल, एज स्टाइल्स, मिज, शिंसुके नाकामुरा और रिकोशे। तो सबसे पहले रिकोशे को बाहर फेंका गया, उसके बाद शिंसुके नाकामुरा और मिज जो कि एक इंजरी फेंक कर रहे थे, उन्होंने पहले तो चालाकी से फेंका एजे स्टाइल्स को रिंग से बाहर और फिर रिडल और मिज के बीच में हुई लास्ट स्पॉट के लिए लड़ाई, जिसमें विनर रहे रिडल। दोस्तों फाइनल हो चुका है, फाइनल स्पॉट ऑफ द मनी इन द बैंक लैडर्स मैच मेंस में हमें दिखेंगे रिडल। के बाद बैक स्टेज हमें दिखे स्ट्रीट प्रॉफिट्स जॉन सीना के साथ और जॉन सीना ने उनको ये एडवाइस किया कि नेवर गिव अप फॉर योर मैच अगेंस्ट द ब्लड लाइन। इसके बाद मैच था जे उसो वर्सेस मॉन्टेज फोर्ड और जो विजेता होगा इस मैच का वो चूज करेगा स्टिपुलेशन फॉर द टाइटल मैच एट द मनी इन द बैंक। ये मैच जीता मॉन्टेज फोर्ड यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने। इसके बाद हमें बैक स्टेज दिखे जजमेंट डे यानी कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट और उनके साथ हमें दिखे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो। पहले तो फिन बैलर ने रे मिस्टीरियो को भड़काने की कोशिश की कि किस तरह से जहां WWE सेलिब्रेट कर रही है जॉन सीना के 20 साल, सब भूल गए कि रे मिस्टीरियो ने भी 20 साल कंप्लीट करे। अब रे मिस्टीरियो तो उनके बहकावे में नहीं आए बल्कि उन्होंने चैलेंज कर दिया डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर को फॉर टैग टीम मैच अगले हफ्ते बिटवीन जजमेंट डे एंड द मिस्टीरियोस। इसके बाद रिंग में हमें दिखते हैं द मिस फिर से और फिर जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि लोगन पॉल ने अपने सोशल मीडिया पर डाला है एक ऐसा पोस्ट जो टीज कर रहा है कि शायद वो रेसलिंग में दोबारा आ सकते हैं, इस पर मिज ने ये बोला कि जी हाँ, मिज ने ही ये चीज़ सेटअप करी है और वो और लोगन पॉल एक बार फिर से देखेंगे एज टैग टीम एट समर स्लैम। इसके बाद भैया एजे स्टाइल्स आते हैं और क्योंकि वो अपसेट होते हैं कि भैया मिज की वजह से वो बैटल रॉयल नहीं जीत पाए तो वो मिज को धो देते हैं और उस मैच के विजेता हो जाते हैं। फिर से हमें बैक स्टेज दिखते हैं जॉन सीना और इस बार उनको मिलने आते हैं एजिकियल। वो एजिकियल से कुछ बात करते हैं, उसके बाद पीछे से जॉन सीना को टैप करते हैं ऑस्टिन थ्योरी और वो ब्रैग करते हैं कि किस तरह से वो हैं यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। पर जब वो सेल्फी लेने लगते हैं तो भैया जॉन सीना गायब हो जाते हैं। काफ़ी सही सेटअप कर दिया, आगे अगर फ्यूचर में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना होता है तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जॉन सीना के रिटर्न को हाइप करते हुए हमें दिखे बहुत सारे विनियट्स। पहले तो उनके करियर के बारे में बताया गया, किस तरह से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, फर्स्ट रेसलिंग मैच एट WWE वर्सेस कर्ट एंगल के क्लिपिंग दिखाए गए, क्लियर मोन्टाज ऑफ हिज करियर एट WWE। उसके बाद दिखाया गया कि किस तरह से वो जुड़े हुए हैं मेक अ विश फाउंडेशन से और फिर दिखाए गए विनियट्स उनकी मूवीज़ के बारे में, उनके को एक्टर्स के बारे में और उनके टॉप टॉक शोज़ में इंटरव्यूज़ के बारे में। हमने देखा बहुत सारे करंट और एक्स WWE रेसलर्स जिन्होंने प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजे थैंकिंग जॉन सीना और इसमें हमें दिखे स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, रैंडी ऑर्टन, कर्ट एंगल, ट्रिश स्ट्रैटस, JBL और सरप्राइजिंगली AEW से जुड़े हुए डेनियल ब्रायन, क्रिस जेरिको और बिग शो। इसके अलावा हमें देखे थे स्टोन कॉल स्टीव ऑस्टिन। इसके बाद रिंग में वापस से हमें दिखती हैं बियांका बेलेर और वो फेस टू फेस आती हैं मनी इन द बैंक ओपोनेंट कार्मेला के। थोड़ा सा हाइप करते हैं अपना ये मैच, बस कार्मेला चालाकी से किक करने की कोशिश करती हैं बियांका बेलेर को और बियांका बेलेर उनको पकड़ लेती हैं और रिंग के बाहर फेंक देती हैं। उसके बाद हमें देखा एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन का एक बैक स्टेज सेगमेंट जहाँ पर दोनों ये क्लेम करती हैं कि वो जीतेंगी मनी इन द बैंक। इनका मैच हुआ रिंग में जिसको भैया जीत जाती है आसानी से लिव मॉर्गन। देखते हैं किस तरह से ये टैग टीम रहेंगे आगे या मनी इन द बैंक में इनका कोई स्टोरी लाइन चलेगा जहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे, ये तो भैया आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके बाद हमें दिखता है जॉन सीना सेलिब्रेशन, यहाँ पर जॉन सीना रिंग में आते हैं और सबसे पहले तो थैंक करते हैं WWE यूनिवर्स को फॉर देयर सपोर्ट इन द लास्ट 20 ईयर्स। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद मनी इन द बैंक या समर स्लैम के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि पता नहीं कब वो वापस रिंग में आएंगे एज अ रेसलर। इस सेगमेंट में बस वो यूनिवर्स को थैंक करते हुए दिखे और बोलने लगे कि किस तरह से
इस WWE यूनिवर्स की वजह से आज वो जहाँ पर हैं वो हैं। इसके बाद हमें मैच दिखता है 2-on-1 बॉबी लैशली वर्सेस द अल्फा एकेडमी चैड गेबल और ओटिस के साथ थे थ्योरी एज अ स्पेशल गेस्ट इन्फोर्सर। काफी टू एंड फ्रो हुआ पर जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि ये मैच जीता बॉबी लैशली ने। और बॉबी लैशली की ताकत का अंदाजा हमें तब लगा जब उन्होंने ओटिस को अपने कंधे पर उठा के फेंक दिया रिंग के अंदर। फिर चैड गेबल को उन्होंने दिया हर्ट लॉक और मैच जीत गए। के बाद ऑस्टिन थ्योरी पीछे से आए और बॉबी लैशली को मारने लगे। इसके बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमें दिखा कोडी रोड्स का, जहां पर उन्होंने अपनी रिकवरी स्टेटस का एक अपडेट दिया और उन्होंने बताया कि 9 महीने तक वो शायद रिंग में नहीं आ पाएंगे। मनी इन द बैंक के बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला कि अगर सेथ रॉलिंस वो मनी इन द बैंक या वर्ल्ड टाइटल जीते तो कोडी रोड्स ही होंगे पहले वो बंदे जो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। इसके बाद वेरी क्विक एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें दिखा सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना का। रॉलिंस ने खुद को हाइप किया और बोला कि किस तरह से वो पहले भी जीत चुके हैं मनी इन द बैंक और उसको सक्सेसफुली कैश इन कर चुके हैं। फिर हमें दिखा लास्ट चांस विमेंस मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग एलिमिनेशन मैच, डू ड्रॉप वर्सेज निक्की वर्सेज शेना बेज़ले वर्सेज रिया ली वर्सेज तमीना वर्सेज बेकी लिंच। तो सबसे पहले बेकी लिंच ने एलिमिनेट किया रिया ली को और उसके बाद उन्होंने टैप आउट कराया निक्की कैश को या निक्की ASH को। उसके बाद डू ड्रॉप तमीना शेना बेज़ले और बेकी लिंच के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ इस मैच में जिसमें फाइनल विनर बनी बेकी लिंच। तो भैया बेकी लिंच ज्वाइन कर चुकी हैं लेसी इवेंस एलेक्सा ब्लेस लिव मॉर्गन रशेल रॉड्रिगेज ऑस्का और शॉट्सकी को। सरप्राइजिंगली एक सेगमेंट जो मिसिंग था आज के इस एपिसोड में वो था केविन ओवेंस वर्सेस इजिकिल या इलायस या एलरॉड। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद तीसरा भाई इजिकिल और इलायस का हमें दिखेगा आज के एपिसोड में। इनफैक्ट इसकी तो स्टिपुलेशन भी चेंज कर दी गई थी, अब ये एक नॉर्मल मैच ना होके मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच था। तो आई एम सरप्राइज कि ये मैच कहाँ गया और इसका क्या अपडेट है। जैसे ही मुझे कुछ पता लगेगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। अब हाइप किया गया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन भी और बताएगा कि किस तरह से मनी इन द बैंक लैडर मैच के सारे पार्टिसिपेंट्स हमें दिखेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन क्योंकि वो बस एक दिन पहले होने वाला है मनी इन द बैंक से। आज का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार था, बस एक मलाल रह गया कि जॉन सीना का फ्यूचर हमें पता नहीं चला कि वो समर स्लैम में हमें दिखेंगे कि नहीं। आई एम होपिंग कि वो ज़रूर दिखेंगे किसी ना किसी तरीके से हमें समर स्लैम में। तो दोस्तों ये था मंडे नाइट रॉ और जॉन सीना रिटर्न्स के इस एपिसोड का अपडेट। सपोर्ट करने के लिए पहले तो सब्सक्राइब करें ये चैनल, बेल आइकन दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर।